स्पोर्ट्स तक 8 पीएम एजेंडा में स्वागत है आपका। और आज जो साल की शुरुआत हुई थी 2019, तो तब से हमारे पास एक टर्म है मिशन वर्ल्ड कप। अब आज हम उसी पर बात करेंगे और बात अब ये करेंगे क्योंकि सिर्फ 5 वनडे मैचेस अब बचे हैं भारत के। 5 वनडे मैचेस के बाद भारत इंग्लैंड में होगा, वहां पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो क्या अभी जो हमारे पास है जो 15 की तस्वीर है, 15 मैन जो स्क्वाड होता है, वो तस्वीर कितनी साफ है? और जो 2-3 स्पॉट्स शायद बचे हैं उनमें कौन सा खिलाड़ी अंदर या बाहर हो सकता है, उसमें पूरी चर्चा करेंगे। आज विक्रांत सर हैं, राहुल सर हैं, गगन सर हैं। सर लगभग 15 में से आई थिंक 12-13 तो सबको पता ही कौन होंगे कौन नहीं होंगे। आप बताइए, आप अगर आज 15 चुने तो आपकी 15 क्या है? मेरी 15 रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अम्बट्टी रायडू, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, चहल, कुलदीप, भुवी, बुमराह, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, दो रहेगी ना, हाँ, दिनेश कार्तिक और एक उमेश यादव। आपने जो टीम चुनी है तकरीबन यही टीम मेरी भी है, तकरीबन आपके में दिनेश नहीं है। हाँ, बस इसमें यही है कि ऑब्वियसली 11 तो आपने पहले बताए, रोहित, शिखर, विराट, रायडू, केदार जाधव, धोनी, पांड्या, दोनों स्पिनर चहल और भुवी बुमराह, शमी, 12 के बाद 3 में एक ऋषभ पंत, 13 14-15 में अब उमेश यादव, खलील, उसमें एज ऑफ नाउ आई थिंक खलील आगे ही होने चाहिए क्योंकि जो खेल रहा है वो आगे रहे। अनलेस एंड अंटिल उमेश यादव को आप ऑस्ट्रेलिया वाले वनडे खिलाओ, आई वुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स उमेश। अब 15वां बड़ा दिलचस्प है, दिनेश कार्तिक है, रविंद्र जडेजा है और सुनील गावस्कर, उन्होंने कल जो बोला है विजय शंकर के बारे में, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि इंडिया स्पिनिंग ऑलराउंडर की बजाय हार्दिक पांड्या के अलावा एक और सीमिंग ऑलराउंडर ले जाए विजय शंकर, उनकी बैटिंग से वो काफी इंप्रेस थे। बट मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक, राहुल सर आप हमसे थोड़ा कुछ आप अलग सोच रखते हैं या फिर? रोहित, धवन, 11 तो सेम ही होंगे, आप बस 4 बता दो सबको। 12 के बाद 13 आपको पता है ना? 12 आपको पता है जो हम दोनों की 12 है, 14-15 गगन सर के 13-14-15 और राहुल सर के 13-14-15 तीन बताने, दिनेश कार्तिक, उमेश यादव और 15 क्या रह गया मेरे पास? ऋषभ पंत है, रविंद्र जडेजा है, विजय शंकर है या फिर, अच्छा आपने उमेश यादव फास्ट बोले तो पिक कर, मैंने 4 KL राहुल है अगर आप सोच रहे हैं बैकअप ओपनर और जो बैटिंग कर ले, और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को फर्क हुआ, सेम ही है गगन सर, इतना टाइम लिया हमने, 13वां उसका बोला, 14-15 से उल्टा पकड़ा नहीं, आपने बोला ऋषभ पंत, उमेश यादव और दिनेश कार्तिक, और दिनेश कार्तिक, मैंने बोला दिनेश कार्तिक, उमेश यादव और थोड़ा एक दो नाम सोच, दिनेश कार्तिक तो होंगे, दिनेश कार्तिक और खलील होंगे, न्यूजीलैंड भेज दिया गया, पर इस टीम में तो KL राहुल भी थे, नहीं तो वो डिसाइड किया गया कि उनको नहीं भेजा जाएगा बिकॉज टीम आई थिंक शुभमन गिल को ट्राई करना चाहती थी, ट्राई कर लिया, नहीं उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि ये इंडिया ए टीम में सिलेक्ट कर दिया ना, 4 दिन के मैच के लिए। बट मैं आपको बताऊं, अनऑफिशियल टेस्ट मैच के लिए अगर जो कॉन्टेस्ट चलेगा, मुझे लगता है ऋषभ पंत और KL राहुल के बीच में चलेगा, जो मुझे पर्सनली अगर वो कॉन्टेस्ट चलेगा तो ऋषभ पंत वन साइडेड जीत रहे हैं, मनोज ऋषभ पंत उस दौड़ में आगे हैं यार। आप देखिए, अगर खुद सोचिए, आप एक, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक आपको पता हाई ऑन कॉन्फिडेंस, एक्स फैक्टर भी, मनोज एक्स फैक्टर दोनों में है, बट मनोज करंट फॉर्म और एक मनोज मेरे से आप पूछेंगे, मैं आंखें बंद करके ऋषभ पंत को लूं, मैं बोलूंगा KL राहुल रेस में ही नहीं है, बट यू नेवर नो विद सिलेक्टर्स के दिमाग में क्या टीम है। एक चीज है वो ये है, KL राहुल अगर आउटसाइड चांस, वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते आपके, वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते, हाँ, और वो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि शिखर धवन कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बड़ी ऑर्डिनरी हो जाए, आईपीएल उनका डिजास्टर्स हो जाए और आप फंस जाओ, आपको यार एक तीसरा ओपनर लेके जाए, बट उसके अलावा द मोमेंट आप KL राहुल को सिलेक्ट करते, अच्छा, हो सर, तो सिर्फ ओपन कर सकते हैं जी, वो बीच में विकल्प नहीं है जी, तो वो लिमिटेशंस उनकी हो जाती हैं। ऋषभ पंत का ये है कि वो बीच में कहीं पे भी खेल सकते हैं इफ नीड बी, आई डोंट नो, लेफ्ट हैंडेड ओपनर,
वो एक ऑप्शन एक ओपनर का ऑप्शन भी रह सकता है। नहीं, आपको एक प्लेयर ऐसे ही चाहिए, हाउस द जोश टाइप। और दिनेश कार्तिक में भी वो एबिलिटी है, दिनेश कार्तिक भी ओपन कर सकते हैं, दिनेश कार्तिक भी बीच में खेल सकते हैं, दिनेश कार्तिक छह नंबर पर भी खेल सकते हैं। पर दिनेश कार्तिक के लिए जो एक हैंडीकैप है वो ये है, जैसे अंबाती रायडू ने लास्ट मैच में वो ऐसी इनिंग खेल दी, वो ऐसी इनिंग खेल दी कि जो जो उन पर सवाल थे वो एक इनिंग से उनके रनों ने जवाब दिया। और हमें ये दिनेश कार्तिक की वो एक बड़ी इनिंग नहीं आई। नहीं, और दूसरी बात ये है कि दिनेश कार्तिक को आप की टीम शायद छह नंबर के लिए तैयार कर रही है। हाँ। ठीक है ना, पर छह नंबर तो केदार जाधव ने लिख लिया है, दिस इज माइन। केदार जाधव का कंपटीशन, केदार जाधव फ्रंट लाइन प्लेयर है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं केदार जाधव जब जब खेलता है आई थिंक 70-80% मैचेस इंडिया जीतती है। वो बहुत अच्छे प्लेयर है, यूटिलिटी प्लेयर है, देखिए उस पोजीशन पे। और वहीं आप, मुझे नहीं लगता कि केदार जाधव, जिस हिसाब से आप रायडू बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं रायडू ने वो एक इनिंग्स खेल दी और जिता दिया वो मैच। यार दिनेश कार्तिक ने भी वो एक इनिंग्स खेली थी, वो मैच जिताया था। ठीक है, अब ये है कि दिनेश कार्तिक अगर नंबर चार नहीं खेलते हैं तो उनकी गलती नहीं है, टीम ने उनका रोल डिफाइन कर रखा है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत भाई है। मैं कहता हूं दिनेश कार्तिक के साथ भी गलत है। नहीं, दिनेश कार्तिक के लिए अच्छा ये हो रहा है कि टीम में आउट ऑफ नोवेयर वो टीम में आ जाते हैं, पर उनके साथ गलत ये होता है दिनेश कार्तिक का कि भाई वो तो नंबर चार के भी प्लेयर थे किसी जमाने में, पांच के भी थे, फिर अब छह पे उनका रोल देख रहे हैं। आप कह रहे हैं इनिंग उन्होंने खेली है, उन्होंने वो फाइनल जिताया, वो फाइनल भी जिताया, वहां भी जिताया, बट नंबर छह पे तो केदार जाधव आ गए ना। नहीं नहीं, I understand, you never know, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दिनेश कार्तिक फॉर्मेट भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपके ऐसा नहीं है कि आप दो मैच खेले और सेमीफाइनल पक्का, आपके बहुत सारे मैचेस हैं। और ये तो बहुत आपको एक बैकअप हर एक प्लेयर, ऋषभ पंत को भी वर्ल्ड कप जाने के लिए ऑनेस्टली अभी अपने आप को साबित करना होगा, बट इट इज नॉट अ गिवन कि ऋषभ पंत वर्ल्ड कप जा रहे हैं। ऋषभ पंत को अगर ये तीन T20 मैच, ऋषभ पंत को ये मैचेस ऑस्ट्रेलिया वाले में अगर मौका मिलेगा, उनको लंबी इनिंग खेलनी होगी। प्लस जिस तरह का उनका पिछला आईपीएल गया था, उनको आईपीएल, हालांकि ठीक है आप अपना बना लेंगे, कहां खिलाएंगे आप ऋषभ पंत को अगर खिलाते हैं उनको, कहां देखना उनको पसंद करेंगे आप? किस कभी चार कभी छह, कभी चार कभी छह, चार पांच छह कहीं पे भी, तो आप वहां खिलाओ ना उनको जहां वो खेल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एज ऑफ नाउ अंबाती रायडू नंबर चार पक्के, एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। तो केदार जाधव भी छह के फ्रंट रनर है, बाय दैट लॉजिक हो सकता है ऋषभ पंत को भी 11 में मौका ना मिले। बट आप, मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत को लेकर जाएंगे, वो फ्लोटर है, किसी दिन आपको ओपन करानी पड़गी ओपन भी कर सकते हो, किसी दिन नंबर चार पे जरूरत पड़ गई आपको लगा कि यार नहीं तो वहां पे खिला लो, छह कर लो, तो वो फ्लोटर है। जैसे दिनेश कार्तिक भी आज से कुछ साल पहले फ्लोटर थे, नया बॉल भी खेल सकते थे, बीच में भी खेल सकते थे, और आज तो नंबर छह पर भी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, हालांकि कल तक मैं सोच रहा था कि भाई आप अपने बेस्ट 11 उतारो, बट मुझे लग रहा है कि टीम अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन करेगी, अभी भी मुझे लग रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि एक दो आपके बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी रेस्ट ले लें। और आईपीएल से वैसे रेस्ट लेना चाहिए कुछ प्लेयर्स, जो आईपीएल में रेस्ट मिलेगा, आपको लगता है आईपीएल में रेस्ट मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा, किसको? आईपीएल इतना बड़ा, किसको मिलेगा? अब ये सवाल का जवाब आप सोच समझ के दीजिए कि आईपीएल में किस प्लेयर को आप आराम दे रहे हैं, जो आपके बड़े प्लेयर हैं वो सारे कप्तान हैं। आप मुझे बताइए जिन प्लेयरों को हम सोच रहे हैं कि रेस्ट, आप कह रहे हो फास्ट बॉलर्स को ना, 14 फास्ट बॉलर क्यों बाहर बैठे, वो कहेगा मैं क्यों बाहर बैठूं, तो बैट्समैन क्यों बाहर ना बैठे फिर भाई? अगर आप कह रहे हो एक फॉर्मूला बना रहे हो कि 14 आपके लीग मैच है, तो कोई भी वर्ल्ड कप प्रोबेबल या वर्ल्ड कप का प्लेयर 7 मैच से ज्यादा लीग मैच नहीं खेला, फिर आप ये बनाओ, फिर आप पैमाना बनाओ कि 8 मैच 7 मैच ही हर वर्ल्ड कप वाले प्लेयर को मिलेंगे, वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, स्पिनर हो, कुछ भी हो, फास्ट बॉलर हो। आप सिर्फ इतना कह दो कि फास्ट बॉलर्स नहीं खेलेंगे सारे मैच, पर बैट्समैन खेल सकते हैं, यही कहां की बात हुई फिर? ये कहां की बात हुई फिर? मुंबई इंडियंस कहेगा हम हार्दिक पांड्या के बिना क्यों खेलें? फिर कोई फ्रेंचाइजी कहेगा यार मेरे पास तो इंडिया के दो फास्ट बॉलर हैं, मेरे साथ तो बुमराह भी नहीं रहता, तो मेरे साथ तो जाती हो गई मेरे साथ। ये नहीं हो पाएगा कि आप सिर्फ फास्ट बॉलर्स को, आपने अगर करना है तो स्टैंडर्डाइज कर दो, आप स्टैंडर्डाइज कर दो, देखते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ऐसा हो रहा है, या होगा, होना, अब नहीं होना ना, नहीं, होना, तो होना चाहिए नहीं चाहिए, अब ये फिर सब हो। अगर ऐसा होगा तो इस साल आईपीएल बाबा का पद मैं इनको दे दूंगा, क्योंकि इनकी सबसे पहली प्रेडिक्शन ठीक हो जाएगी ना। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें सर, आपको लगता है एक्सपेरिमेंटेशन होगा? तो अब वही है ना, उस टाइम पे एक सोच प्लेयर की ये भी हो सकती है, मान लीजिए शिखर धवन है, रोहित शर्मा जैसे बोल रहे बड़े नाम शायद रेस्ट ने, तो शिखर धवन क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़े ठीक वर्ल्ड कप से पहले कि कोई और उनकी जगह पर टेस्ट हो या ट्राई हो और वो वहां पे आके आउटस्टैंडिंग 5 मैचेस 3 शतक मार दे, शिखर धवन या कोई भी, मैं कोई भी प्लेयर हूं,
नहीं, जैसे हम सोच रहे हैं कि एक मे बी एक्सपेरिमेंटेशन वाली चीज़, उनको तो रन चाहिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो जो 11 में अभी फिट है, मान लीजिए कोई भी धोनी हो या रोहित हो शिखर हो, उनकी जगह पे कोई और दूसरे खिलाड़ी को मौका देते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर, और वो आके आउटस्टैंडिंग सीरीज उसकी हो जाए, 3 शतक लगा, डिपेंड करेगा कौन कौन है आपके फ्रिंज में जो आपको लगता है 5 में से 3 मैचों में 100 बना सकते हैं। पहले आप मुझे वो यंगस्टर का नाम, इम्पैक्ट देखिए, अगर आप ऋषभ पंत को खिलाते हैं 2 में 100 चाहे वो शतक ना बनाए, लेकिन ऋषभ पंत अगर आपको, तो ऋषभ पंत बनाए तो जाएंगे, हाँ इम्पैक्ट के तौर पर जाएंगे, 100% जाएंगे, उनका तो इम्तिहान है प्लेइंग में ना, अगर मान लीजिए क्योंकि वो किस जिसकी भी जगह पर खेल रहे हैं, देखो आपकी 11 तो 4-5 महीने बाद ही है ना, अभी आपकी टीम ही सिलेक्ट हुई है, भले वो राइडू हो भले वो कोई भी हो, आपने आज ये तय कर लिया कि हाँ यार ठीक है हमने देख लिया, लेकिन वहां जाके 2-3 मैच में पता थोड़ी चलेगा आपको, कुछ भी हो सकता है ना। ऋषभ पंत का तो मैं हमेशा टीम में ऐसा प्लेयर चाहूंगा जिसको कहीं पर भी आप इस्तेमाल, आप लोगों ने तो काफी सारे वर्ल्ड कप्स देखे, ये शायद मेरा दूसरा है एज, मतलब जब से मैं यहाँ पे इंटर्नशिप और उसके दौर से, पहले आपने वर्ल्ड कप नहीं देखे, मतलब ऐसे कि मीडिया में आप कि ऐसे स्टडी करते हो 15 क्या होगी 11 क्या होगी, तो इस तरह की सिचुएशन हर साल रहती थी कि आपको 15 में पता नहीं चल रहा है, या वो जो एक प्लेयर की रहती है, जैसे 2003 का मुझे याद है ये दिनेश मोंगिया फिट हो गए थे एंड में, लक्ष्मण की जगह, लेकिन 2011 में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था ना, 15 में 7 में भी हुआ था ना, गंभीर खेलते खेलते रह गए, रोहन थप्पा चले गए और सौरव गांगुली से 1-1.5 महीना पहले कमबैक किया, प्रवीण कुमार को चोट लग गई और चोट लगी, वो तो चोट लगी, लेकिन एक सरप्राइज फिर भी कहीं ना कहीं लास्ट में, इस बार और 15 में कोई इतना था नहीं, 15 में मुरली विजय का चल रहा था, नहीं बट मुरली विजय मतलब इन द सेंस कि हम मुरली विजय पे ऐसे, अरे आशीष नेहरा की जो वापसी हुई थी नहीं, 2015 में आई थिंक एकदम से युवराज ने डोमेस्टिक में 3 या 4 100 लगाए थे, नहीं तो उनका नहीं 15 वर्ल्ड कप 2011 देख लो यार, युवराज कहाँ थे यार, देखो सीधी बड़ी बात है, 2019 में वापसी की थी, स्पोर्ट्स तक आपका आया ना, तो ये यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया है, 2019 में या 18 में बड़ा बहुत पावरफुल हो गया है, तो हर कोई अपने विचार वर्ल्ड कप के लिहाज से रख रहा है। भाई आपको लगता है कि 1983 में जो क्रिकेटर्स होंगे, जो आज क्रिकेटर जो एस्पायर कर रहे हैं वर्ल्ड कप खेलना या जो जाएंगे, 1983 में भी लोग सोचते होंगे कि मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, पर सोशल मीडिया नहीं था ना तो लोगों के ख्याल नहीं आते थे, इसीलिए स्पोर्ट्स तक एक मंच है, हर रोज हम वर्ल्ड कप की टीम चुनते हैं, बताइए तो आपकी टीम आपको पता रहेगी, सारी अपडेट्स बता रहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब किया, आपको शायद ये नहीं पता होगा, गगन सर से पूछिए, 2007 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, आज तक पर हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका नाम था सिलेक्टर आप, मैं तब घर पे बैठ के देखा, अरे लोग हैरान हो गए थे कि ये क्या है, सिलेक्टर आप ये था कि 30 प्लेयर जो 1-1.5 महीना पहले चुने जाते हैं उनके नाम थे, और आज तक पर 10 दिन का ये प्रोग्राम था, हर रोज हम हर रोज SMS वोट कोड के साथ मंगवाते थे और उनपे बताते थे ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, ये स्पिनर है, ये ऐसे है वैसे है वैसे है, और लोगों ने SMS के जरिए अपना वो टीमें चुननी थी। मजे की बात ये है कि जिस दिन टीम चुनी जानी थी, जैसे कल इंडिया की टीम चुनी जा रही है, आज रात को हमने कपिल देव पहली बार टीवी पे लॉन्च किए थे और उनका पाजी का पहला शो था वो, और राहुल जी 3 टीमें थी, एक जो SMS के जरिए सिलेक्टर आप में दर्शकों ने चुनी, एक जो उसमें पैनलिस्ट थे हमारे कपिल देव थे, मदन लाल जी थे, यशपाल शर्मा जी थे, और कौन, चेतन चौहान, हाँ, और पांचे हमारे जो सिलेक्शन पैनल था प्रॉपर आज तक का उन्होंने चुनी, और अगले दिन दिलीप वेंगसरकर की अगुवाई में तीनों टीमें सेम थी, तीनों टीमें सेम थी और दर्शकों की टीम सेम, और कपिल सिलेक्टर जो अगले दिन सेलेक्ट हुए जो सेलेक्टर्स में, अलग बात है कि पहले दौर में वो टीम हार गई थी, हाँ वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड, पर वो टीम एक ही टीम थी तीनों, और उसको विदा करने हम लोग गए थे मुंबई कप लेकर आना सब गए थे ना, राहुल द्रविड़ और पूरी टीम जब निकल रही है और कैमरा पैन होके ऐसे जा रहा है और आज तक शो चल रहा है और उधर से बस भी जा रही है, तो आज सिलेक्टर आप लॉन्च कर रहे हैं स्पोर्ट्स तक में क्योंकि आपने इतना अच्छा आइडिया दे दिया है, तो पहले दिन हम पूछते हैं कि ओपनर प्लस बैकअप ओपनर, तो हर दिन हम ऐसे ही एक एक करके आपसे पूछते रहेंगे, तो आप लोग उसमें एक नंबर दे देते हैं, ओपनर आप 10 नहीं बताओगे, ओपनर आप जैसे 4 बता दोगे, 3 बता दो, 3 ही क्योंकि 15 में भी 3 ही होंगे, तो आप 3, एक ओपनिंग जोड़ी अपनी जो आपकी 11 में होगी और एक बैकअप,
तो हैशटैग सेलेक्टर नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, इसको प्रॉपर, इसको प्रॉपर बनाते नहीं, अच्छा है हम लॉन्च करते हैं एक आध दिन, हाँ एक आध दिन नहीं, क्योंकि नहीं 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 क्योंकि देखो आज तक पर तो हम करेंगे वर्ल्ड कप के पास जाके, बट यह तो होगा अप्रैल मई में, तो स्पोर्ट्स तक पे आप एक दो दिन में कर दीजिए इसको लॉन्च। और ये कब तक चलेगा वर्ल्ड कप तक? नहीं तीन दिन में खत्म, नहीं क्योंकि आपके तीस तीन दिन में नहीं ना, हम ये आपको एक हफ्ता, एक हफ्ता आपको कम्युनिटी सेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, एक आधे दिन में कम्युनिटी के जरिए आप हर रोज ऐसे ओपनर्स चुनवाइए वोटों के हिसाब से, फिर ये चुनवाइए, आपको बांटना होगा ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर, स्पिनर, स्लॉट वाइज, तो उसके बाद देखते हैं। अभी आज तो आज की सवाल पंद्रह तो हमारी चारों की सेम पंद्रह निकली है, नहीं नहीं धर्मेंद्र गगन जी नहीं, मैं खलील है, गणेश जी का खलील। अच्छा अच्छा जाते जाते एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि ये मतलब सिर्फ क्यों खलील लेफ्ट आर्मर है और ये चीज क्यों इतना वो रहती है, हम काफी वैरायटी आ जाती है ना, बट ऐसे लेकिन आज अभी जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन करके गए हैं क्यू एन ए जो है उसमें आप जरूर देखिए, राहुल भी हैं उसमें, आप में से किसी एक ने हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर के जरिए एक सवाल भेजा था उनाटकट का, उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट उनाटकट, आपको खबर चाहिए डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीवरी वहां पर नहीं किया है, अगर जो सही है जो अच्छा है उसको लेके जाओ, चाहे वो लेफ्ट है राइट है जो मर्जी, चाहे वो पांव से बॉल फेंक ले हाथ से। फिलहाल आप लोगों से विदा लेते हैं और क्यों नहीं आप जरूर उसमें हिस्सा लीजिए, हैशटैग आस्क स्पोर्ट्स तक ट्विटर पर भेजेंगे आप, स्पोर्ट्स अंडरस्कोर तक ट्विटर पर आप भेजेंगे विक्रांत गुप्ता 73, इंस्टाग्राम पर आप भेजेंगे विक्रांत डॉट गुप्ता 73, रावत राहुल 9 पर भी आप भेज सकते हैं ट्विटर इंस्टाग्राम दोनों जगह, ट्विटर पर मनोज अंडरस्कोर डिमरी MANOJ अंडरस्कोर DIMRI और इंस्टाग्राम पर विदाउट, आपने मेरी तो स्पेलिंग को लग के नहीं, क्योंकि इसमें कुछ स्कोप ही नहीं है गलती का, RAWATRAHUL और 9 मेरे लिए थोड़ा डिमरी, गगन सर कमिंग सून, गगन सर का इंस्टा भी लॉन्च होने वाला है, तो जब सेलेक्टर आप लॉन्च होगा गगन सर का भी इंस्टा लॉन्च होगा, लेकिन आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग भले जरूर हो या फिर इंस्टाग्राम जरूर, और दोपहर को कोशिश कीजिए 1:30 बजे तक आप अपने सवाल भेज दें, वो लिस्ट बना लेते हैं हम, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे सॉरी, लेकिन 1:30 बजे तक आप अपना दोनों प्लेटफॉर्म पर सवाल, लेकिन काफी लोगों के मैंने देखा ट्वीट्स वगैरह आए थे काफी उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये लगातार नहीं अच्छी बात है, मजा आ रहा है, हाँ, लोगों को भी काफी मैंने देखा रिस्पांस अच्छा, तो चलिए फिलहाल विदा लेते हैं, गुड नाइट, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, गुड नाइट।